हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये है वन प्लस नोड 2T। करते इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं फोन कैसा है और बॉक्स के अंदर क्या क्या है। अब इसके ऊपर कोई भी आपको सील नहीं मिलेगी जैसे दूसरी कंपनी यहाँ पर लगा कर देते हैं, सिर्फ एक पॉलीथीन ऊपर है और यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी वन प्लस नोड 2T 5G। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ऊपर एक बॉक्स मिलता है, इस पर है ये फ्रोस्टेड कवर है, मैट कवर। इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही, आप शायद देख रहे हो इस पर कुछ ऐसे लाइंस का पैटर्न है, काफ़ी बढ़िया है। नीचे से आपको ये भी मिल जाता है क्लोज करने के लिए ताकि डर्ट वगैरह चार्जिंग जैक में ना जाए। और एक कंपार्टमेंट आपको और मिलेगा, वन प्लस की अपनी ही सिम इजेक्टर पिन आती है सबसे अलग। तो देखिए, इसके बाद कुछ कार्ड हैं, मेंबरशिप कार्ड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की गाइड है और वन प्लस के स्टिकर है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फ़ोन, दिखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। इससे पहले हम बॉक्स को एक बार और चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा 80 वोल्ट का चार्जर। और ये है फ्रेंड्स टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल, ये देखिए वायर काफ़ी बढ़िया है और दिखने में काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद तो और कुछ भी नहीं है, इनको हटा लेते हैं। और फ़ोन का ये जो पैनल है ना, कैमरा मोड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी है ताकि कलर आपको अच्छे से दिख जाए। वैसे आपको थोड़ा सा वाइट जैसा लग रहा होगा पर ये एक्चुअल में थोड़ा सा ग्रीन टिंट आपको इसमें ज़रूर दिखेगा और ऐसा ही ग्रीन टिंट आपको इस पर भी दिखेगा और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। प्रीमियम फ़ोन लग रहा है, लग नहीं रहा कि ये फ़ोन 29,000 रुपये का। और इन एंड फील इसकी काफ़ी बढ़िया। कमेंट करके बताना आपको इसकी फ़ोन की लुक कैसी लगी। और वेट इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 190 ग्राम्स है, काफ़ी बढ़िया है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स मिल जाते हैं और राइट साइड में आपको वन प्लस का सिग्नेचर बटन है जो सिर्फ वन प्लस और एप्पल में आता है, ये देखिए। टॉप में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको स्पीकर मिल जाता है, चार्जिंग जैक है और मेन माइक्रोफोन है और सिम ट्रे है। इसमें आपको कोई भी 3.5 mm ईयरफोन जैक नहीं मिलता है। इसके पहले वाले वर्जन वन प्लस नोट 2 में भी 3.5 mm ईयरफोन जैक नहीं आता था। सिम ट्रे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हाइब्रिड सिम स्लॉट भी नहीं इसको बोल सकते, इसमें आप सिर्फ 2 सिम लगा सकते हो, कोई भी मेमोरी कार्ड लगाने का आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो। बैटरी कैपेसिटी फ्रेंड्स आपको इस फ़ोन में मिलती है 4500 mAh की। सिम ट्रे मैंने आपको दिखा दिया। और कैमरा मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, मेन कैमरा ये है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, 50 MP का है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको मिल जाता है और 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको मिलता है। और ये वाला कोई सेंसर नहीं इस पर लिखा है, DOLHDR पता नहीं क्या है। और 2 फ्लैशलाइट आपको मिलती हैं अलग अलग। कोई भी मैक्रो कैमरा आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगा और फ्रंट कैमरा आपको साइड में मिल जाता है, मिडल में नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा आपको 32 MP का मिलेगा। चलिए एक बार इसको बूट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और इस फ़ोन में है 6.43 इंच की फुल HD प्लस 90Hz वाली डिस्प्ले। 120Hz वाली डिस्प्ले आ जाती है 20,000 रुपये के फ़ोन में और 90Hz तो और भी सस्ते में आ जाती है, बट इस फ़ोन में 29,000 रुपये में आती है 90Hz वाली डिस्प्ले। HDR10 को सपोर्ट करती है, कलर्स वगैरह तो इसमें काफ़ी बढ़िया है, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी सामने की साइड, और बैक साइड में कौन सी प्रोटेक्शन है इसके बारे में नहीं पता है। ग्लास है, लग तो ग्लास रहा है, बाकी कुछ नहीं पता कि प्लास्टिक भी हो। कंपनी ने बॉक्स पर कई बार कोई भी मेंशन नहीं किया इसके बारे में। और फिंगरप्रिंट सेंसर मैं आपको इस फ़ोन का दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी फास्ट काम करता है, सिर्फ टच कर आपको करना पड़ेगा, ये देखिए। अब इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, मैं इसको एक बार कम कर लेता हूँ थोड़ा, अब ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन में, ये देखिए एंड्रॉयड 12 आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा, ये देखिए। और ऑक्सीजन OS का वर्जन आपको इसमें 12.1 मिलता है, अभी तो ये अप टू डेट दिखा रहा है।
मेरे पास 8+128 GB वेरियंट है। इस वेरियंट के अंदर आपको 5 GB तक रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है, हालांकि 3 GB तो डिफॉल्ट इसमें आती है। अभी मान सकते हो कि 11 GB रैम इसमें यूज़ हो रही है, बाकी 2 GB और बढ़ा सकते हो। प्रोसेसर इस फोन में मीडियाटेक 1300 माली G77 MC9 GPU के साथ ये आता है। गेमिंग वगैरह आप इसमें अच्छे से कर पाओगे, बाकी हम टेस्ट भी करेंगे। और ब्लोटवेयर की मैं आपको बात बताऊं तो इस फ़ोन में सिर्फ एक ब्लोटवेयर है, वो है नेटफ्लिक्स, बाकी आपको सब क्लीन मिलेगा, ये अच्छी बात है। और कैमरा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, लुक देखिए आप, काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स आपको AI मोड वगैरह, 50MP मोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इस फ़ोन में। वीडियो में क्या क्या रिजोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 4K का रिजोल्यूशन है, कितना फ्रेम पर सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 4K 30 FPS पर है और 60 FPS पर करते हैं नहीं होता है। अभी 1080p करेंगे तो 30 और 60 FPS दोनों इस पर हो जाता है। और वाइड एंगल कैमरा भी इस फ़ोन में है, मैक्सिमम 1080p पर ही वीडियो बना सकते हो। 4K करोगे तो ये क्लोज हो जाता है, मेन कैमरा पर स्विच कर जाता है। और बाकी नाइट मोड वगैरह आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा, प्रो मोड भी मिलता है, अल्ट्रा HD मोड भी मिलता है। कैमरा रिव्यू हम फुल टेस्ट इसका करेंगे, जिसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था OnePlus Nord 2T, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। दिखने में आपको लगेगा नहीं कि एक 30,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन आता है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन लगता है, लुक इसकी काफ़ी बढ़िया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।